नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। चीन ने 14 उपग्रहों को कक्षा में भेजने वाले वाहक रॉकेट के साथ पहला समुद्री हॉट लॉन्च प्रक्षेपण पूरा किया। चीन के वाणिज्य वाहक रॉकेटों ने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत किया है। स्मार्ट ड्रैगन 3 या जिलोंग 3 के बाद शुक्रवार को येलो सी के पानी से अपनी पहली सफल उड़ान भरी, जिसमें 14 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सटीक रूप से भेजा गया। इसकी शुरुआत ने चीन के लॉन्च वाहनों के स्पेक्ट्रम का विस्तार किया और चीन के घरेलू एरोस्पेस उद्योग में कई तकनीकी अंतरालों को भरते हुए देश के पहले गर्म समुद्री प्रक्षेपण को चिन्हित किया। राज्य के स्वामित्व वाली चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी CALT द्वारा विकसित और निर्मित वाहन एक 4 चरण का ठोस प्रणोदक वाहक रॉकेट है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 31 मीटर और व्यास 2.65 मीटर तक है। इसका वजन करीब 140 टन है। चीन ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए 750 अरब युआन के विशेष बॉन्ड की घोषणा की। चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 दिसंबर को 750 बिलियन युआन यानी 107 बिलियन डॉलर का 2022 का विशेष बॉन्ड जारी करेगा। चीन के नए हाई अल्टीट्यूड हाई स्पीड डेमोंस्ट्रेटर ड्रोन ने पहली उड़ान भरी। चीन ने हाल ही में एक प्रकार के नए हाई अल्टीट्यूड हाई स्पीड डेमोंस्ट्रेटर ड्रोन के लिए पहली उड़ान भरी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉयल विंगमैन और ड्रोन स्वॉर्म सहित कई नई तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करने में मदद कर सकता है। जापान ऑस्ट्रेलिया में F-35 लड़ाकू रोटेशनल डिप्लॉयमेंट तैनाती पर नज़र गड़ाए हुए हैं। जापान उन्नत F-35 और अन्य लड़ाकू विमानों को ऑस्ट्रेलिया में घूर्णी तैनाती पर भेजने के साथ संयुक्त अभ्यासों के दायरे और जटिलता का विस्तार करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय सुरक्षा संबंधों को भी गहरा करना चाहते हैं। वित्त वर्ष 2023 में जापान रक्षा बजट में 1 ट्रिलियन येन की वृद्धि करेगा। सरकार अगले वित्त वर्ष में रक्षा खर्च को 1 ट्रिलियन येन से बढ़ाकर लगभग 6.5 ट्रिलियन येन करने के लिए तैयार है। 5 साल की रक्षा निर्माण योजना के लिए 43 ट्रिलियन येन निर्धारित करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में है, जो 5 साल की रक्षा निर्माण योजना के लिए 43 ट्रिलियन येन निर्धारित करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में है। सूत्रों ने बताया कि बजट में बढ़ोतरी का मकसद गोला बारूद की खरीद और लंबी दूरी की मिसाइलों से संबंधित खर्च है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की नैतिकता पुलिस के साथ 13 रूसियों और ईरानियों पर प्रतिबंध लगाए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ईरानी और रूसी अपराधियों द्वारा गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार को दंडित करने के लिए मानव अधिकार प्रतिबंधों का उपयोग करेगी। म्यांमार ने संकटग्रस्त नाव से 154 रोहिंग्या को बचाया। म्यांमार की सेना ने कहा कि नाव के पानी में उतरने के बाद म्यांमार के तट से 150 से अधिक रोहिंग्या को बचाया गया। ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद के शेकअप में वित्त नियमों को आसान करेगा। ब्रिटेन ने निवेश को आकर्षित करने और यूरोप के प्रमुख वित्त केंद्र के रूप में लंदन की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए 2008 के वैश्विक वित्त संकट के बाद लगाए गए बैंकिंग नियमों को आसान बनाने के लिए शुक्रवार को योजनाओं की घोषणा की। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल 2030 तक हाइड्रोजन पाइपलाइन बनाएंगे। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल शुक्रवार को 2030 तक इबेरियन प्रायद्वीप से फ्रांस और अंततः शेष यूरोप तक हाइड्रोजन परिवहन के लिए एक प्रमुख समुद्र के नीचे पाइपलाइन बनाने पर सहमत हुए। पाइपलाइन का उद्देश्य यूरोपीय संघ की ऊर्जा आपूर्ति और अधिक स्वतंत्र बनना है। चीनी एयरलाइन को पहला घरेलू लंबी दूरी का जेटलाइनर प्राप्त हुआ। एक चीनी एयरलाइन शुक्रवार को बोइंग और एयरबस के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के लिए लंबी दूरी के जेटलाइनर C919 की डिलीवरी लेने वाली पहली ग्राहक बन गई। टोटल एनर्जीज रूसी गैस उत्पादक में हिस्सेदारी से अलग हो गया। फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज ने शुक्रवार को कहा कि वह रूसी प्राकृतिक गैस उत्पादक नोवोटेक में अपनी हिस्सेदारी से दूर हो जाएगी और 3.7 अरब डॉलर का नुकसान उठाएगी। इटली ने द्वितीय सहायता समूह की प्रवासी बचाव नौका को उतारने की अनुमति दी।
भूमध्य सागर में प्रवासियों को बचाने वाले यूरोपीय ध्वज वाले जहाजों के खिलाफ अपनी कठोर रेखा को नरम करते हुए इटली ने शुक्रवार को एक दूसरे मानवतावादी समूह के जहाज को एक इटली के बंदरगाह पर अपने यात्रियों को उतारने की अनुमति दी।